पायल पांडे। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को बहुत सारे बधाइयाँ हो हमारे तरफ से, पायल पांडे के तरफ से, और माटी मांगे खून की बहुत सारे अच्छा रिलीज हो, अच्छा शूटिंग हो, अच्छे से हो। और मेरे एक्चुअली फर्स्ट टाइम इसमें एंट्री ली हूँ, पता नहीं आगे मेरा क्या होने वाला है, बट बहुत सारे मेरे तरफ से बधाइयाँ हो। और मेरी आने वाली मूवी इश्क बाज राकेश मिश्रा हैं, और उससे पहले मेरे रिलीज हुई थी फूल और कांटे, और बस थैंक यू। सॉरी इसमें कुछ फाइनल नहीं है, अभी अभी एंट्री ली हूँ, अभी तो आई हूँ बधाई देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरी तरफ से इस पूरी टीम को बधाई। मैं नील सिंह मणि, अरुण दुबे जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और डायरेक्टर राम यादव जी, इंटायर कल्लू जी, नेहा श्री, ऑल इंटायर टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छी फिल्म बने और अच्छी मार्केटिंग करें, दैट्स ऑल। हाँ, अभी बात चल रही है, प्रोग्रेस पे है, देन देखता हूँ मेरा किरदार क्या निकल के आता है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, आगे काम करेंगे। अपने मेरी आने वाली फिल्म 28 को रिलीज हो रही है, हम ही धरती के बेटा 28 को रिलीज, उसमें सुदीप पांडे जी हैं, मैं हूँ। और आने वाली रिलीज पे जाने वाली है एक हिंदी मूवी है राइफलगंज, जो कि प्रकाश झा प्रोडक्शन हाउस से है, मनोज झा जी डायरेक्टर हैं। और भोजपुरी फिल्में भी है, केहू नहीं खे आपन, उसके बाद एक और फिल्म है जो कि बहुत ही मार्वेलस टाइटल है, आप लोग सुनेंगे तो शायद हंस पड़ेंगे, सिंघम का बाप, वो फिल्म भी अभी जस्ट फ्लो पे जाने वाली है। और बस काम कर, ऑडियंस से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे प्यार दें और आशीर्वाद दें, बस आपके ही लिए हम हैं और आप हमारे लिए, धन्यवाद। जी सबसे पहले तो नमस्कार सब किसी को, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्राउड है यहाँ पे। और राम जी, राम यादव जी डायरेक्टर हैं, धर्मेश मिश्रा कल्लू एक्टर है, देखा मैंने पोस्टर, अभी जी एक होर्डिंग लगा पड़ा, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में, आई कहानी बहुत अच्छी है इसकी, काफ़ी एक्शन फिल्म है, राम जी ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलेगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं उनके लिए, काफ़ी उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर जाए। जी विजयपथ एक अलग ही जोन की फिल्म है, काफ़ी मसाला फिल्म है, जिसमें आपको एक भोजपुरी लीग से अलग हटके कहानी मिलेगा, आपने उसका प्रोमो देखा होगा, वो भी काफ़ी अलग है भोजपुरी फिल्मों से, काफ़ी एक अलग लीग की फिल्म है। मेरा कैरेक्टर भी काफ़ी अलग है, एक फर्स्ट टाइम आपको भोजपुरी में एक इंस्पेक्टर दिखेगा जो रियल में इंस्पेक्टर दिखता है। बाकी काफ़ी मसाला फिल्म है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखकर, एंजॉय कीजिए। अभी यूए सर्टिफिकेट मिला उसे, सो ये अच्छी बात है कि अब भोजपुरी को, जहाँ भोजपुरी का नाम सुन के लोग ए देते हैं सेंसर वाले, वहाँ अब यूए और यू मिलने लगे हैं फिल्मों को, तो भोजपुरी के लिए अच्छी बात है। जी अभी तो फिलहाल विजयपथ रिलीजिंग पे, इसके बाद मैं किरणकांत वर्मा जी के साथ घमासान कर रहा हूँ, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जिसका मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, सो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। फिलहाल तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, विजयपथ और घमासान, बाकी आप लोगों की दुआ है। ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि बस मेरी पहली फिल्म आ रही है विजयपथ एगो जंग, जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैंने रैंप में सक्सेस किया, प्रिंट सीरियल्स में यहाँ तक पहुँचा अपने 8 साल के जर्नी के बाद, तो आप लोगों की दुआ और आप लोगों का प्यार चाहिए कि आगे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बस आप लोगों के आशीर्वाद से एक विजय के पथ पर निकल चलूँ, बस धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप आए यहाँ पे हमारी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए, और आप हर जगह आते रहते हैं और ऐसे आप आते रहिएगा। और दूसरी बात, सबसे पहले भोजपुरिया दर्शक के नमस्कार करतवानी, और चाहतानी का अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखे हमारा ऊपर, और हम वादा करतानी कि एक से एक बढ़िया फिल्म लेकर आओ, जोन लागे कि अपन माटी के खूब फिल्म बा, अपन गाँव देश दिखाए, अपन परिवार दिखाए, और क्यों न क्यों कहीं ना कहीं अपने आप के जोड़त पर ही वो फिल्म से जोन फिल्म हम लेकर आओ, ये हमारा वादा बाट है। फिल्म जैसे कि टाइटल है माटी मांगे खून, तो इस फिल्म का जो एक थॉट है हमारे पास कि हर आज़ादी कुर्बानी मांगती है, वो चाहे छोटे से समाज का हो, चाहे अपने देश का हो, चाहे एक घर का भी ले लीजिए, तो
कोई ना कोई कुर्बानी करता है तो ही आज़ादी मिलती है हमें। तो हमारा थॉट वही है, और ऐसा नहीं कि आपको एक्शन दिख रहा है तो एक्शन तो है ही, जी भर के है। इस फिल्म में कुछ नहीं तो कम से कम 15-20 तो ब्लास्ट ऐसे हैं, 25-30 ट्रक उड़ जाएंगे, जो हमने अभी तक भोजपुरी में कल्पना नहीं किया बनाने के लोगों जो है। और इसी के साथ रोमांस भी है, जैसे कि कल्लू जी हैं एक सिंगर हैं तो ऑफकोर्स वो रोमांस करेंगे, और मैं भी अभी यार उतना बूढ़ा नहीं हूँ रोमांस के काबिल हूँ, तो मैं भी रोमांस ही करूँगा। रोमांस के साथ साथ एक्शन मिलेगा आपको। एक ऐसा है कि इस किरदार में जब हम देखेंगे फिल्म को तो अपने आप को कहीं ना कहीं पाएंगे, वो जुनून जो यूपी बिहार का जुनून होता है यंगस्टर में, या जो बुढ़े हो गए फिर भी उनके अंदर जुनून है, खुद ही पूरे गांव को मार डालेंगे ऐसा उनके अंदर जोश भी है। तो बुढ़ापे से लेकर जवानी तक का जोश आपको दिखाएंगे इसमें, और भरपूर रोमांस भी है, कॉलेज का भी सीन है इसमें, एक्शन मूवी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सब देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी किरदार में आप अपने आप को जोड़ लेंगे। कॉलेज का भरपूर सीन है, रोमांस भरपूर है, चूँकि कल्लू जी सिंगर हैं तो गाने भी उनके काफ़ी हैं जो आप लोग पसंद करते हैं, तो उनके गायकी पसंद है, मतलब आप आएंगे रोमांस करने के लिए फिल्म में, अपने आप को केंद्रित पाएंगे। थैंक यू। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? मेरी आने वाली फिल्में सबसे बड़ा आशिक, जो कि भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म कहलाएगी जब पर्दे पर आप देखेंगे। जी ये मेरा सौभाग्य है कि राम यादव जी उसका डायरेक्टर हैं, दीपा यादव जी प्रोड्यूसर हैं, कि मुझे इस काबिल समझा उन्होंने कि एक फिल्म को 3 लैंग्वेज में बना रहे हैं। ऑन सेट उसको हम शूट कर रहे हैं, डबिंग का कोई चक्कर नहीं है। ऐसा जब किसी को बोलते हैं कि 3 लैंग्वेज फिल्म, लोग कहते हैं डबिंग करेंगे क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम सेट पे 3 बार शूट ही करते हैं उस कंसेप्ट को, और ये 3 लैंग्वेज में पहली बार कोई भोजपुरी फिल्म बनाई जा रही है। एक भोजपुरी जैसे सबसे बड़ा आशिक, इसको जो मराठी में बना रहे हैं उसका नाम है मी तुझा प्रेमी, ये हिंदी में बन रही है आशिकों का आशिक, और ये शायद मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का दूसरा ऐसा स्टार या दूसरा ऐसा आर्टिस्ट या एक्टर हूँ कि जो भोजपुरी भी फर्स्ट में लीड कर रहा हूँ, सोलो लीड है मेरी फिल्म में। और ये बात कल्लू जी की, तो मैंने अभी कल्लू जी और हम इसके पहले एक लाला तीन छाला फिल्म किए हैं जो कि बहुत अच्छी जा रही है, आप लोग का आशीर्वाद मिला, और हम चाहते हैं कि अब हम दो भाई फिर से एकत्रित हुए हैं और उससे भी कई ज़्यादा धमाल करने वाले हैं। इसमें हम चाहते हैं आप सब अपना प्यार बनाइए और हमें प्यार कीजिए, ऐसे ही प्यार कीजिए ताकि हम आपके सामने अच्छी अच्छी फिल्में लेके आएँ। और मेरा वादा है एज ए धर्मेश मिश्रा कि हम आपको अच्छी चीज़ ला के देंगे, आप सबका प्यार बना रहेगा। तो धन्यवाद। अभी नायिका का कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए रिवील नहीं करना चाहूँगा, हो सकता है इधर को उधर हो तो मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ, तो आपके सामने भी झूठ क्यों बोलो। थैंक यू जी। नेहाश्री मेरे साथ सबसे बड़ा आशिक में कर रही हैं, और मी तुझा प्रेमी भी हमारे साथ वही हैं, हिंदी में भी वो कर रही हैं, और इसके आगे हमारी दिल्ली फिल्म है उसमें भी काम कर रही हैं, फांदेबाज फिल्म है उसमें भी कर रही हैं, तो इसमें भी अभी तक तो यही डिसीजन, लेकिन डिसीजन डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर कि किसको कहाँ रखा जाए, लेकिन इस फिल्म में है, फिल्म का अंश है, लेकिन किसके पोजिट अभी हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं आपको। बहुत प्यारा है कि अब मैं निर्णय नहीं दे सकता क्योंकि अभी सारी फिल्म हमारी अपकमिंग है, जब आएगी दर्शकों का प्यार मिलेगा तो वही सही निर्णय देगा कि हमारा उनका केमिस्ट्री कैसी फिल्म में। सबसे पहले तो इसका टाइटल बहुत अच्छा है, माटी मांगे खून, और एकदम देसी टाइटल है, और बहुत अच्छा लगा आइटम मैंने गाया, आज मुहूर्त था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे घुंगरू जी, घुंगरू अविनाश झा जी, और गीतकार है हमारे प्यारे लाल जी, और बहुत ही मजा आया मुझे, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ गाकर, बहुत मजा आया। और मैं शुभकामना देना चाहूंगी सभी को, पूरी टीम को, माटी मांगे खून की पूरी टीम को, कि ये फिल्म सुपर डुपर हो और गाना हिट हो तो मजा आएगा। एक लाइन कौन बनाई है जो गाना गाए या फिर कोई और गाना जिससे याद है? अरे वो गाना ध्यान में नहीं है। कोई आपको मन पसंद कोई भी गाना? अच्छा अच्छा ना, अभी तो अभी सबको अभी मेरा गाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, हर एक गाने की तरह मच्छरदानी रह जाऊ। मन को रसिलावट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रजल कौन सबत संग काटा तानो चानी लगा के मच्छरदानी रजल कौन सबत संग काटा तानो चानी लगा के मच्छरदानी रजल।